वजह है, ये दूसरे ममालिक में भी है कि ब्यूरोक्रेसी का यहाँ के जो जो स्ट्रक्चर है कि अगर एक मरतबा आप 17 ग्रेड में आ गए तो अगर आप जिंदा हैं और कुछ भी काम ना करें तो पनिशमेंट डाले जाएंगे, कुछ काम करेंगे तो शायद पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे मैं जीता जाकर सब तो नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे एकदम परवर्स इंसेंटिव है, कोई इंसेंटिव नहीं है काम करने का। और जो रूल्स ऑफ जो गवर्नेंस हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस जिसके गवर्नमेंट के होते हैं वो इतने आर्काइक रूल्स हैं कि मतलब सीरियसली मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने के भी रूल्स हैं और उनको अब हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में दो चीज़ों को ब्लेम करा जाता है, बिफोर 1970s जो भी ख़राब होता था वो अंग्रेज़ों को ब्लेम करते थे, और जनरल ज़िया के बाद जो भी खराबी पाकिस्तान में वो जनरल ज़िया को ब्लेम होता है। इट्स फैशनेबल टू डू दैट, मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ ज़रा भी डिफेंड करने का, बल्कि इन्होंने तो पोस्ट डेथ इनको फील्ड मार्शल कर दिया आपने कहा था, तो प्लस प्लस हो गया। लेकिन द पॉइंट इज के मतलब यू नो हम अब पीछे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं लेकिन आगे कुछ रिफॉर्म्स करते नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी का हमारा एक मसला है, एक हमारे यहाँ जो है ना हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के सूबे के पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंटर के पास क्या होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट का तसव्वुर ही पाकिस्तान में नहीं है, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का कोई तसव्वुर नहीं है। इसकी वजह से भी वी आर नॉट एबल टू एड्रेस द प्रेफरेंसेस ऑफ लोकल रेजिडेंट्स, तो उसकी वजह से भी हमारी ग्रोथ मेरे ख्याल से कम होती है। अगर वो हम कर लें तो लोकल गवर्नमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग हों तो वो लोकल लेवल पर अच्छा काम कर सकती हैं। सेक्टर एंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान आर अ बिग मेस, आप पी आई ए एंड स्टील में बड़ी हेडलाइंस लेती हैं, पी आई ए मिसाल के तौर पर 45 अरब रुपये का नुकसान करती है खासा। अब यू कैन इमेजिन कि 45 अरब रुपए कितने होते हैं, और कंपनी जिसका 90 या 100 अरब रुपए का सेल है उसमें 45 अरब रुपए का नुकसान करना बहुत मुश्किल है। सीरियसली मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज 50% ऑफ सेल्स, बट वी आई समहाउ मैनेजेस टू डू दैट। बट लुक एट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स दैट यू कुड हैव बिल्ट, और नंबर ऑफ स्कूल्स दैट यू कुड हैव बिल्ट, और मे बी यू कुड हैव बिल्ट हाफ द पेशावर मेट्रो इन दैट मनी, और ट्वाइस द लाहौर मेट्रो इन दैट मनी, सॉरी। So, I mean, you know, हम, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सबसे बुरी चीज़ करते हैं वो पावर सेक्टर की मैनेजमेंट है। आज भी अब गैस की शॉर्टेज होती है पाकिस्तान में, पावर की शॉर्टेज होती है, पावर अगर लगा हुआ है तो महंगा लगा हुआ है, गैस जो हमारे पास आ रही है वो डिप्लीट हो रही है, हम नए कुएँ नहीं खुदवा रहे, हम बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर हर चीज़ में चले जाते हैं। मैं एक और सेशन करूँगा उसमें एनर्जी की थोड़ी सी बात करूँगा, अभी नहीं जाऊँगा उधर, लेकिन ये पावर सेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी मिसमैनेज। एंड देन आर फिस्कल पॉलिसी, डॉक्टर साहब ने बात करी है डस्ट डिजीज की, तो मॉनिटरी पॉलिसी भी नहीं जाऊँगा, लेकिन फिस्कल पॉलिसी में भी हमारा बड़ा मसला है। आधे से ज़्यादा बिजनेसेस यहाँ पे रेंट सीकिंग कर रहे होते हैं, बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो रेंट सीकिंग कर रहे होते हैं, यू नॉट एडिंग वैल्यू। देखें आप जो हमारी से बैठे हुए हैं, लेकिन टेक्सटाइल वाले होते हैं उनका आधा वक्त जो है इस्लामाबाद में लगते हैं, वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। वो हुकूमत से कुछ ना कोई मराहत मांग रहे होते हैं, कभी बिजली, और उनको पसंद भी होते हैं कि कभी बिजली महंगी हो गई, कभी गैस महंगा हो गया, कभी कोई रुई पे ड्यूटी लग गई, कभी यान पे ड्यूटी लग गई, कभी इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई, हर 3 महीने बाद तो नया हम रिजीम चेंज कर देते हैं, हुकूमत की पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, और फिर बिजनेसमैन बहुत अडेप्ट हो गए तो उनको रेंट सीकिंग पाकिस्तान में बहुत अच्छी आती है। तो बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में इसलिए चल रहे होते हैं कि कस्टम की ड्यूटियाँ इस तरह अरेंज करी हुई होती हैं, बहुत होते हैं। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी हमारे बड़े वीक हैं, चाहे वो जमहूरियत हो या मार्शल लॉ हो या कोई हाइब्रिड रिजीम हो, ये भी बड़े वीक हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी गलती करते हैं, लेकिन आई थिंक फिस्कल पॉलिसी में रेंट सीकिंग से बहुत फर्क पड़ता है, और पाकिस्तान ने कुछ ऐसी गलतियाँ करी हुई हैं कंपेयर टू आर नेबर्स हिंदुस्तान या बांग्लादेश, कि उनकी ग्रोथ रेट्स बहुत आगे निकल गई और हमारी ग्रोथ रेट पीछे रह गई। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, थैंक यू। तो हमको सीरियसली मतलब बियॉन्ड पॉलिटिक्स वी हैव टू सीरियसली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दिस। और ये जो उन्होंने बात करी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही नहीं है, दुनिया में कितने सीड्स बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का सीड नहीं आया है। सो अभी और वो फार्मर्स जो हमारे गरीब फार्मर होते हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस। ये हुकूमत हैज टू टेक इनिशिएटिव्स एंड डू दिस। इतने जो हम दूसरे इंडस्ट्रीज को मराद दे देते हैं जिनके पास रसाई होती है, और उनके पास सब हुकूमत पे रसाई होती है, उनकी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की एक जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बुरी है, वाई वी आर बडलिंग थ्रू, इसके अंदर एक फैक्टर ये है कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा है। अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो अल्लाह करेगा कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन अभी परसेप्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा लैग करता है।